हेलो मेरे प्यारे फूडीज, वेलकम टू कुकिंग विद रूपाली। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आलू बुखार का सीजन स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसे में क्यों ना उसका प्रिजर्व करने वाला शरबत बनाया जाए। ये एक सीजनल फ्रूट है और इसका टेस्ट खट्टा मीठा होता है। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं, पर इससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। उसी के साथ साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए। तो हमने यहाँ पे ताज़े आलू बुखार लिए हैं, अब हम इन्हें टुकड़ों में काट लेते हैं। आलू बुखार के सेवन से पेट की समस्याओं से राहत मिलती है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर होता है, इसी तरह एनीमिया जैसे बीमारियों के लिए भी ये लाभदायक होता है। अब कटे हुए टुकड़ों को डाल लेते हैं एक पैन में। उसी के साथ साथ डालेंगे 4 बड़े चम्मच चीनी। आप चीनी को आपके स्वादानुसार कम या ज्यादा कर सकते हो। अब मिश्रण को आंच के ऊपर धीरे धीरे हिलाते हुए पका लेते हैं। आप देखेंगे आलू बुखार को धीरे धीरे पानी छूटने लगेगा, बस इसे धीमी आंच पर ही पकाएंगे। इसमें आपको ज्यादा पानी डालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि आलू बुखार में अच्छी खासी मात्रा में पानी होता है। इसी वजह से हमने यहाँ पे सिर्फ 5 बड़े चम्मच पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आप इससे जैम बनाना चाहते हो तो पानी को बिल्कुल भी ना डालें, बस आलू बुखार को सॉफ्ट और गाढ़ा होने तक पका लें। इसी के साथ हमने यहाँ पे 1/2 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है। अदरक की वजह से शरबत का स्वाद निखर के आता है। जरा देखिए तो आपकी आंखों के सामने मिश्रण का रंग बदल रहा है ना? देखिए 3 से 4 मिनट के बाद मिश्रण जो है गाढ़ा होने लगेगा। आप अगर चाहे तो इसमें इमली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि इसका खट्टापन और बढ़ेगा। इसमें हमने किसी भी तरीके का एडेड कलर नहीं मिलाया है, क्योंकि आलू बुखार के छिलके में बहुत ही ज्यादा गाढ़ा रंग होता है, जो कि एक नेचुरल कलर हमारे शरबत को देता है। अब बस जरा इसकी कंसिस्टेंसी देखें, पूरा पानी सूख गया है, मिश्रण जो है कम्प्लीटली गाढ़ा हो गया है। अब इसे फ्लेम से हटाकर ठंडा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे एक छन्नी ली है जो कि बर्तन के ऊपर आराम से एडजस्ट हो रही है। अब मिश्रण को छन्नी से छान लेंगे। कलर तो देखिए बस लाजवाब दिख रहा है ना? हमारा आलू बुखार का शरबत ऑलमोस्ट तैयार है। आप इसे बॉटल में भर के ऐसे ही फ्रिज में ऑलमोस्ट 1 महीने तक स्टोर कर सकते हो। जूसी आलू बुखार का ये मिश्रण जितना दिखने में प्यारा दिख रहा है, उससे भी ज़्यादा टेस्ट में और लजीज है। अगर बच्चे रेगुलर मीठी फ्रूट जैम से बोर हो चुके हैं तो ये खट्टा मीठा और अच्छा ऑप्शन है। अब एक पानी से भरा हुआ जार लेते हैं। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे इस जार में लगभग 5 ग्लास भर के पानी लिया है और इसमें मिश्रण को थोड़ा थोड़ा करके डाल लेते हैं। बहुत सारे लोग सूखे आलू बुखार का भी इस्तेमाल करते हैं, पर फ्रेश फ्रूट शरबत की बात ही कुछ अलग होती है। डालते हैं स्वादानुसार नमक और बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमने बनाया प्रिजर्व करने वाला आलू बुखार का शरबत। तो दोस्तों, अगर आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक और रेसिपी के साथ। टिल दैट टाइम सी यू एंड बाय बाय।